नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय बनारस में सिगरा में है। दिन की शुरुआत हम करें भारत माता मंदिर विजिट करके। मैं टेंपल प्रेमिसेस के जस्ट बाहर ही खड़ा हूं। भारत माता मंदिर के अंदर ना कोई भी मूर्ति नहीं है, तो यहाँ किसी देवी देवता के पूजा नहीं होती। टेम्पल का डिज़ाइन फ्रीडम फाइटर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी ने किया था, उन्होंने बनवाया, और महात्मा गांधी जी ने 1936 में इसका उद्घाटन किया। आइए यहाँ से अंदर चलेंगे। देखिए, जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसके बारे में बहुत लिमिटेड टूरिस्ट हैं जिनको जानकारी है। देखिए, एंट्री गेट पर ही वंदे मातरम कितना खूबसूरती से लिखा गया। हमारे साथ इस समय गोरख भाई हैं। नमस्ते गोरख भाई। सामने आप अनडिवाइडेड इंडिया का मैप देख सकते हैं और नज़दीकी कंट्रीज का भी एक मैप व्यू देख सकते हैं। इस मैप को तैयार करने के लिए 762 मकराना मार्बल ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। गोरख भाई, आप थोड़ा पॉइंटर करते जाइएगा, वहाँ पर लेज़र से पता लगेगा कौन कौन से एरिया। सबसे पहले हम हिमालयाज देखते हैं। ये सारी जो पीक्स हैं ना, जहाँ पॉइंटर आप देख रहे हैं, सारे हिमालयाज हैं। ठीक है, हिमालयाज की अलग अलग रेंजेस हैं और हिमालयाज के पीछे बेसिकली ये भी हिमालयाज ही हैं और ये सारा तिब्बत एरिया प्लेटो। तिब्बत के पीछे है चाइना, और अगर हम चाइना के पीछे वो जहाँ पॉइंटर भी है वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जहाँ पर पॉइंट करके दिखा रहे हैं। ये देखिए जी, ये गौमुख है, यहाँ से गंगा रिवर चली और ये चलती चलती प्रयागराज दिखाइए, जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम हो रहा है। ये पॉइंटर देख रहे हैं आप प्रयागराज। इस समय हम प्रयागराज से ज़्यादा दूर नहीं है, हम वाराणसी में हैं और प्रयागराज से ये चलती चलती नदी आके बंगाल की खाड़ी में ड्रेन कर जाती है। देखिए, ये बे ऑफ बंगाल, ये पूरा एरिया, और ये पूरा इंडिया का मैप है, आप स्टेट बाय स्टेट देखिए। ये देखिए नीलगिरी और नीचे श्रीलंका। बहुत ही बढ़िया इस ढंग से इस मैप को तैयार किया गया। आज तो क्या है, गूगल बड़े सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देता है, लेकिन उस समय इस तरह की चीज़ बनाना कोई उतना सरल काम नहीं रहा होगा। बट ग्रेट वर्क डन, अप्रिशिएट करने वाली बात है। गोरख भाई, ये जो हम सामने तीन तस्वीरें देख रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये जो बीच की तस्वीर है वो राष्ट्ररत्न बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी की है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। और इनके जस्ट जो बगल में आप देख रहे हैं, ये इन लोग के फैमिली मेम्बर है दोनों लोग। बहुत बढ़िया। 15 अगस्त को और 26 जनवरी के टाइम ना यहाँ पर पानी से फिल कर देते हैं, पूरे जगह को फिल नहीं करते, सिर्फ केवल जो बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी का हॉलो स्पेस है ना, खाली स्पेस, वहाँ पर पानी डाल देते हैं, जिससे कि आप जब आओ तो आपको एक व्यू मिलेगा कि एक्चुअल में ये समुद्र है। और वहाँ जाने का रास्ता थोड़ा नीचे की तरफ है, एक बार चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, मेरे को गोरख भाई ने बताया नीचे आके फील लेने का तरीका ये है कि आप धीरे धीरे ऐसा ऊपर उठो और खिड़की से देखो। सबसे पहले आपको माउंट एवरेस्ट का है, हाँ माउंट एवरेस्ट दिखाई देगी, वो देखो सामने, हाँ बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद नज़दीक की सारी पीक्स दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छा रहा यहाँ पे आना। जब आप वाराणसी आएंगे तो मेरी राय में आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, आपको भी यहाँ पर आके अच्छा लगेगा। चलिए अब चल के नाश्ता करते हैं, नज़दीक में ही रेस्टोरेंट है, वहाँ चल के नाश्ता करेंगे और उसके बाद हमको सेकेंड हाफ ऑफ द डे में BHU भी जाना है। इस समय हम रथ यात्रा एरिया में राहिल रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। मैंने अपने लिए एक सत्तू परांठा मंगाया और एक आलू परांठा। ये आलू परांठा है और ये सत्तू परांठा। आपको दिखाने के लिए ना अलग से मैंने सत्तू मंगवाया है, जिससे आप देख के अंदाज़ा लगा लीजिए कि सत्तू ऐसा दिखता है। नमक, हरी मिर्च, इस कुछ मसाला बना के इसका मिक्सचर तैयार करते हैं और परांठे में स्टफ़ कर देते हैं। तो मैं काम करता हूँ, हाफ लेता हूँ आलू परांठा, हाफ लेता हूँ सत्तू परांठा और बाद में फिर मैं वो भी खा लूँगा। और सत्तू परांठे को ना वैसे जो टेस्ट इंजॉय किया जाता है, ये किया जाता है चोखे के साथ। ये बेसिकली आलू, बैंगन, टमाटर से इसको तैयार करते हैं और बैंगन को ना भट्टी में डालकर रोस्ट कर लेते हैं, जिससे फ्लेवर आए आपको बढ़िया सा। मुझे याद आ गया कि मैं जब पिछली बार बनारस आया था ना, तो बगल में रसना रेस्टोरेंट है, तो हमने यहाँ पे लंच किया था और आज हम
इसी के साथ राहिल में आ गए। मौली साहब मजा तो खूब आ रहा है, स्टफिंग है ना गेम चेंजर है और चोखे का स्वाद भी अल्टीमेट है, टू गुड। कोई भी चीज देखिए रोस्ट होने के बाद जो आपको फ्लेवर आता है ना वो मेरे को पराठे और चोखे के जॉइंट टेस्ट में आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बैंगन रोस्ट है, टमाटर रोस्ट है, इसके अंदर सत्तू रोस्ट करके पीसा जाता है और बड़े बेहतरीन ढंग से उसमें हरी मिर्च, नमक और हल्का सा मसाला मिला के मिक्सर तैयार किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आज सत्तू पराठा और ये चोखे का कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करता ना तो शायद मुझे लगता कि मैंने कुछ मिस कर दिया। चलिए आलू पराठा खाएंगे हम दही के साथ। आलू पराठा तो हम अपने घर में अक्सर खाते रहते हैं, सत्तू पराठा बहुत कम खाने को मिलता है, तो दैट वे मेरा सत्तू पराठे का एक्सपीरियंस यहाँ पर काफी अच्छा रहा। देखिए विश्वनाथ मंदिर BHU के बाहर ही अभी मैं खड़ा हूँ, अभी टेंपल रीओपन होने में 1 घंटे का टाइम बाकी है, तो यहाँ पर मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कम से कम 12 से 15 फूड जॉइंट्स हैं। आप सामने देखो जैसे गायत्री कैफ़े, बगल में कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी, और इस तरफ को भी थोड़ी बुक्स की शॉप हैं, हैंडीक्राफ्ट, जेरोक्स, ये भी फेमस शॉप है सामने, ओम कैफे करके लिखा है ना, मुझे किसी ने बोला था यहाँ पर आप कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हो। आओ थोड़ा आगे चल के देखेंगे। ये कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम? हाँ सर, अरे शॉप की फेमस कोल्ड कॉफी है। हाँ, कौन सी आइसक्रीम है भाई? ये चॉकलेट सर, डार्क चॉकलेट। भाई बड़ा, अब पहले मैं आइसक्रीम खानी खत्म करनी पड़ेगी तभी हम कोल्ड कॉफी तक पहुंचेंगे। हाँ, पहले तो आइसक्रीम टेस्ट करिए, उसके बाद कॉफी टेस्ट करिए। ओह, कितने साल पुराना दुकान है ओम कैफे? 52 साल पुरानी है सर। 52 तो बहुत होता है यार। मेरे दादाजी के बाद, पिताजी के बाद हम लोग चला। ओए होए, अच्छा जी, बड़ा मजा आ गया। तो गदर है सर? रियल एकदम दूध है, आप भैंस का दूध है, फैलों का तो मिक्स कर दिया। भाई साहब कैसा लगा टेस्ट आपको सर? किस चीज के लिए? मैं एक बात बोलूंगा, ये जो दूध है ना बड़ा जेन्युइन है, स्वाद में दम है यार, दूध दूध सही है और आइसक्रीम भी बड़ा गदर स्वाद है, तो आपके पास तो ऐसा ही भीड़ चलती है पूरा टाइम चलते रहती है। कितने बजे सुबह ओपन करते हो? सुबह 6 बजे हम ही आते हैं। बोनी में कोल्ड कॉफी से करता हूँ, कोल्ड कॉफी या बनाना शेक, चॉकलेट शेक से। कमाल है यार। पहले शेक ही चलाता सुबह, इतना मॉर्निंग टाइम में आते हैं। मैंने हिंदुस्तान में कोई दुकान नहीं देखी जहाँ पे सुबह 6 बजे कोल्ड कॉफी सर्व होती है, और शाम को कब तक? शाम को 7 बजे तक टाइमिंग है सर यहाँ के, नहीं तो रात को हम लोग भी चलाते वक्त यहाँ भी हो चुका है, टाइमिंग 9:07 खुलाते हैं बस। हाईली इंप्रेसिव यार, हाईली इंप्रेसिव, और दम है। शाम को तो और भी लगती है सर हमारे यहाँ। एक बात हो रही है, फुल ग्लास कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम की कीमत 40 रुपया, तो उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत रीजनेबल भी है। हाँ सर, है ना, वेरी गुड यार। यहाँ पर बैठ के हमको दो सुकून मिल रहे हैं, एक मिल रहा है धूप से बचे हुए हैं पेड़ के नीचे, और दूसरा ठंडक, बोलते हैं ना बीट द हीट। अभी हम विश्वनाथ मंदिर BHU के अंदर आए, हमने यहाँ पे भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में दर्शन करे, पंचमुखी शिव के दर्शन करे, और हमने भगवान शिव के नटराज के रूप में भी दर्शन करे। ग्राउंड फ्लोर में और भी काफ़ी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, उसके बाद हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ आए, यहाँ पर हमने भगवान शिव के मूर्ति के रूप में भी दर्शन करे।
देखिए ये टेंपल 1962 में बिरला ग्रुप द्वारा बनाया गया। कुछ लोग बोलने में इसको बिरला टेंपल बोल देते हैं, लेकिन सही मायने में ये विश्वनाथ मंदिर BHU के नाम से जाना जाता है। अभी मैं टेंपल कॉम्प्लेक्स में ही हूँ। इस जगह चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। इनफैक्ट BHU के अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे ग्रीनरी तो आप नोटिस कर ही लेंगे। मैंने कुछ देर पहले भी नोटिस किया था कि बनारस के और BHU के टेम्परेचर में ही लगभग 3 डिग्री का फ़र्क है। ऐसा मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं भारत कला भवन, जो BHU कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। वहाँ पर हम म्यूज़ियम विज़िट करेंगे। इस समय BHU में भारत कला भवन में हूँ। जसमिंदर जी हमारे साथ हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर भारत कला केंद्र है, सॉरी भारत कला भवन है। थोड़ा आप अगर हमें इनसाइट दे सकें फॉर दी बेनिफिट ऑफ ऑडियंस कि BHU का कब शुरुआत हुई, आज यहाँ पर क्या क्या मेन एक्टिविटीज़ होती हैं एजुकेशनल रिलेटेड और नॉन एकेडमिक्स ऑल्सो। नहीं, आप जिस जगह पर हैं ये अपने आप में एक अनूठी जगह है। आज हम जिस मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं ये सपना तो मालवीय जी ने बहुत पहले ही देख लिया था और ये उसी का साकार रूप हम आज देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी दुनिया में ऐसी शायद ही ऐसा कोई विश्वविद्यालय हो जहाँ पे इतने सारे स्ट्रीम की पढ़ाई एक ही जगह पे होती हो। स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज तक के बच्चे यहाँ पर एक ही कैंपस को एक ही जगह पर पढ़ते हुए आपको दिख जाते हों। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि ये पूरी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना एक डोनेशन के रूप में, दान के रूप में हुई थी, जिसे उन्होंने 1916 में 4 फरवरी 1916 में इसकी नींव रखी थी। और तब से ये बढ़ता ही गया है। आज इस विश्वविद्यालय में कुल कुछ नहीं तो मुझे लगता है 6 इंस्टीट्यूट हैं और इसके अलावा 14 से ज़्यादा फैकल्टी हैं और 150 के लगभग डिपार्टमेंट हैं और ये बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। 150 डिपार्टमेंट? हाँ। अच्छा, एक मेरे मन में सवाल है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब यहाँ पर लैंड की ज़रूरत थी तो मालवीय जी यहाँ के राजा के पास गए तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि एक दिन में वो जितना एरिया कवर करेंगे। एग्जैक्टली, व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग, आई एम नॉट फुली श्योर। हाँ, ऐसा हम लोग को इतना पता है कि उन्होंने कहा था जब जहाँ तक आप अपनी चलकर जगह को कवर कर सकते हैं, पर हमें लगता है कि ये इस तरह की किंवदंतियाँ कहानियाँ प्रचलित हैं, पर ये बात सच है कि जिस कैंपस में हम आज हैं उसमें काशी नरेश विभूति नारायण सिंह जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर मेरी नॉलेज में ये सारा डोनेशन में मिला ये सच है, वो किस रूप में मिला उसके ऊपर आज एक्चुअली किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने जिक्र किया, मेरे को लगा नहीं हम लोगों ने भी इसी तरह का सुना है, पर जिन्होंने जो पुराने हैं वो ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से आपको प्रकाश डाल सकते हैं कि किस तरह से इसको, किस तरह का डोनेशन, किस तरह किन किन लोगों ने किस रूप में दिया। वन लास्ट क्वेश्चन, टूरिस्ट की नज़र से आपको अगर यहाँ पर आता है तो एक तो टूरिस्ट यहाँ पर आके थोड़ा सा लोकल फूड एक्सप्लोर कर सकता है, लोकल नहीं मतलब जो यहाँ का पॉपुलर फूड है। सेकंड चीज़, आप नॉट सेकंड बट आप काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं जो BHU कैंपस के अंदर ही है। इसके अलावा यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, थोड़ा बता दीजिए टाइमिंग्स क्या है, अंदर क्या देखने को मिलता है। भारतीय कला का प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इस भारत कला भवन की स्थापना हुई। तो आज हमारे इस म्यूज़ियम की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं और उसमें से अधिकतर हमें डोनेशन में मिले हुए हैं। और भारतीय कला के जो खास करके हमारा जो छवि वितिका है उसमें जो संग्रहित हमारा जो कलेक्शन है मिनिएचर पेंटिंग का, वो मुझे लगता है विश्व का सबसे बेहतरीन कलेक्शन भारतीय कला का मिनिएचर पेंटिंग का हमारे पास है। और जो कलेक्शन हमारे यहाँ पे एग्जिबिट किए गए हैं वो 2nd सेंचुरी से लेकर आपको मॉडर्न आर्ट 20th सेंचुरी तक के ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और वो अलग अलग रूप में हैं, कुछ प्रस्तर के रूप में हैं, मेटल के रूप में हैं, पेंटिंग्स हैं, टेक्सटाइल है, क्वाइंस हैं, तो अलग अलग मीडियम डेकोरेटिव आर्ट के हैं। हमारी एक निधि गैलरी है जिसमें हमारे बहुत ही बहुमूल्य ऑब्जेक्ट और रेयर ऑब्जेक्ट को एग्जिबिट किया गया है। मुगल काल के बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं, आपके गुप्त काल का हमारा बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो हमारे पास लगभग हर पीरियड का, हर काल के डेवलपमेंट को अगर समझना हो कि कला का विकास किस तरह से हुआ, उसके लिए ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा, अध्ययन की दृष्टि से बहुत अच्छा है और देखने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। कि हम आपके पास प्रायर अप्रूवल लेके आते तो हम भी उसका वीडियो शूट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मिस आउट कर दिया। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और हमें BHU के बारे में जानकारी दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
देखो आज वीकडे होने के बावजूद कितना क्राउड है, और यहाँ पर मुझे देख के इतना समझ आ रहा है कि 80% क्राउड तो लोकल BHU स्टूडेंट्स ही हैं, टूरिस्ट कम है। अब सैटरडे संडे अगर होगा तो यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होगी, ऐसा मुझको महसूस हो रहा है। ये देखो सामने समोसे बन रहे हैं। मैंने ना ये सामने वाली शॉप से समोसा ले लिया अपने लिए चटनी के साथ। इन्होंने बोला लो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन अभी मेरा गला थोड़ा नासाज लग रहा है तो मैंने केवल समोसा लिया। एकदम पहली बात गर्म समोसा है, बहुत गर्म है। अभी देखो दोपहर का टाइम है तो समोसे का ज़्यादा मज़ा उठाना हो तो शाम को 5-6 बजे का टाइम हो, लंच की आपको 2-3 घंटे हो गए तो ज़्यादा मज़ा आता है चाय के साथ। जेन्युइन टेस्ट है, मतलब मज़ेदार है, नो डाउट। एक काम करता हूँ साथ साथ चाय भी ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। इनको बोलता हूँ चाय के लिए, भैया चाय में कोई अदरक वगैरह डाल सकता है, मेरा गले में दर्द है तो अगर अदरक डाल दोगे तो अच्छा हो जाएगा। एक 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 सिंगल कप चाय भी दे दो, चीनी हल्की रखिएगा। देखो एक हाथ में चाय और एक हाथ में समोसा, अभी रखने का बड़ा चैलेंज है, यहाँ पे रखें कहाँ पे। वाकई डेडली कॉम्बिनेशन है, समोसे का ऐसा क्रिस्पी स्वाद और क्या आलू का मसाला है, साथ में अदरक वाली चाय। लवली। देखो शाम के 6:30 बजे हैं, अब कुणाल भाई हमें दोबारा मिल गए हैं। हम इस समय 80 घाट के पास हैं। पिज़ेरिया जो है जी, ये बहुत फेमस है। हाँ, पिज़ेरिया बहुत ही फेमस इटरी है बनारस का। बहुत लोग मेरे को मैसेज किया कि भाई पिज़ेरिया ज़रूर जाना, एप्पल पाई बिल्कुल फेमस है ना, एप्पल पाई के लिए बहुत फेमस है 80 घाट पर। आरती के लिए बैठे हैं 80 घाट में लोग। फिर तो हम बड़े सही टाइम आ गए यहाँ पे, वाह। तो टाइम मेरे को पता नहीं, मेरे को सोच रहा था केवल दशाश्वमेध घाट में ही आरती होती है। अब देखो हम ऐसे टाइम आए हैं जब आरती स्टार्ट होने में लगभग 40 मिनट का टाइम है हमारे पास, और वहाँ देखो आप लोग बोट पे बैठे भी चुके हैं और कुछ लोग यहाँ सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, आरती वहाँ पर होगी फेसिंग बोट्स, एक बार नज़दीक से देखते हैं, फिर हम तब तक पिज़ेरिया होकर वापस आएंगे, तब तक आरती स्टार्ट होगी। आओ जी। आनंद पूर्वक प्रसाद ग्रहण करें, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें, वो मुस्कुराती हुई जैसे वो आए वैसे ही मुस्कुराती हुई अपनी तरफ बिठाए। देखो हम ना पिज़ेरिया पहुंच चुके हैं, सबसे पहले यहाँ से बोट्स देखते हैं। तब यहाँ पे एडवांटेज ये लग रहा है मेरे को कि अगर आप आओ तो हाइट से घाट का व्यू देख सकते हो, और इस पर इस तरफ ही लोग दिखाई दे रहे हैं जो आरती देखने के लिए आए हुए हैं। मैंने अपने लिए ना एप्पल पाई का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है। ये एप्पल पाई डेजर्ट है, बाहर और मतलब ऊपर और नीचे की तरफ ये मैदे से बना हुआ है, और बीच में जो स्टफिंग है ना ये एप्पल को स्लाइस करके डालते हैं, उसके अंदर इलायची, जावित्री, जायफल ऐसा कुछ मसाले डाल देते हैं, और लेमन डाल के इसको भट्टी में गर्म कर देते हैं, मतलब भट्टी में रोस्ट हो जाता है। यहाँ की एप्पल पाई इतनी फेमस है कि मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि बनारस में जाओगे तो ज़रूर खाना। वैसे इसको देखो आइसक्रीम के साथ सर्व करते हैं, लेकिन आज मेरा गला नासाज है तो मैं आइसक्रीम नहीं खाऊँगा। टेस्ट में तो बहुत दम है, सेब का टेस्ट भी आता है, लेमन का टेस्ट भी आता है, और जो बाकी मसाले हैं वो इतने ज़्यादा सटल हैं कि आपको फ्लेवर महसूस होता है, कोई एक पर्टिकुलर मसाला समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन ज़बरदस्त और हल्की हल्की खटास है लेमन की, बड़ा ही यूनिक रेसिपी है। Thank you.
कुल मिला के हाईली इम्प्रेस्ड विद द टेस्ट। वैसे मैं सोच रहा हूँ बिना आइसक्रीम के ये टेस्ट है, अगर इसके साथ आइसक्रीम मिल जाए ना तो इंतहा हो जाएगी, इससे छोटा वर्ड ही नहीं है मेरे पास। गंगा सकल मुदा मंगल मूला सब सुख करनी हरनि सब सुला पार्वती पते हर हर महादेव तवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाबिंद देखिए, अस्सी घाट के पास इस समय मैं मुमुक्ष भवन में आया हूँ। ये बहुत बड़ा आश्रम है, यहाँ पर रहने की जो सुविधा है टूरिस्ट के लिए वो बड़े कम टैरिफ पे है, जैसे 400 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको नॉन कूलर रूम चाहिए, कूलर वाला 700 में, 1000 रुपीज़ में एसी रूम दो लोग के लिए, 1600 रुपये में चार लोग के लिए एसी रूम, ऐसा मैंने यहाँ के पता लगाया। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेस बजट आश्रम में रहना चाहते हैं तो इनका मैंने विजिटिंग कार्ड ले लिया है, वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स शेयर कर दूँगा अगर आपकी ये ज़रूरत है। रूम मैं नहीं देख सका क्योंकि अभी लेट हो गया ना आने में, तो इनका ऑफिस बंद हो गया था। एक सेकेंड कैटेगरी है उन लोगों की जो सन्यासी हैं, वो यहाँ आके रहना चाहते हैं, शॉर्ट टेन्योर और लॉन्ग टेन्योर और दोनों के लिए रह सकते हैं, जिनको ये लोग दंडी स्वामी करके पुकारते हैं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो सन्यासी तो नहीं है, जो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर चुके हैं, 60-65 साल उम्र है, अब वो चाहते हैं बाकी का जो जीवन है वो काशी में बिताएं। उस कैटेगरी के लोगों को ये लोग काशीवास कह के बुलाते हैं, तो काशीवास में भी लोग रहते हैं, उनका लंबा टेन्योर होता है, तो लंबा टेन्योर रहने के लिए यहाँ कुछ ट्रस्ट को वो लोग अमाउंट देते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट अमाउंट की नॉलेज नहीं है, बट समझ लीजिए 3-5 लाख के आसपास। तो ट्रस्ट के लोग इनको एक रूम दे देते हैं किचन के साथ, फिर वो लोग यहाँ रहते हैं, भक्ति करते हैं और अपना बाकी का जीवन यहीं पे बिताते हैं। तो ये मैं सब जानने के लिए ही यहाँ पे आया था। इस जगह का एडवांटेज मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर पार्किंग स्पेस इनके पास बहुत बड़ी है, और बनारस में पार्किंग तो बिग टाइम चैलेंज है। इनके पास इतनी बड़ी पार्किंग स्पेस है कि 4-व्हीलर 2-व्हीलर बहुत आसानी से खड़ा हो सकता है। चलिए, अब ये वाला एपिसोड मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। कल हमारा प्लान सोनभद्र जाने का है, उसके बारे में मैं डिसाइड कर लेता हूँ कैसे करना है, राइट है। तो इस समय रात के 9 बज चुके हैं, हमने जो गंगा आरती देखी उसमें हमें मज़ा भी बहुत आया, और ऑलमोस्ट 1.25 घंटे से ज़्यादा हम लोग 80 घाट पे ही थे। चलो, अभी मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम।